नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉक स्टार एजुकेशन में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के एक बड़े अपडेट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में वही स्टूडेंट आवेदन करते हैं जिसका कि इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन किया हुआ रहता है, और वैसे स्टूडेंट आवेदन नहीं कर सकते हैं जिसका कि इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन यानी कि KYC कम्प्लीट नहीं होता है, और ना तो वो जो है सरकार से अप्रूवल रहता है, मान्यता प्राप्त रहता है, तो वैसे इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले स्टूडेंट जो है आवेदन नहीं कर सकते हैं। चाहे उसका इंस्टीट्यूट जो है रजिस्ट्रेशन कर दिया है किसी भी स्कॉलरशिप का पोर्टल में, या फिर जो है जैसे कि PMS का पोर्टल या फिर NSP का पोर्टल में हो गया, तो ऐसे स्टूडेंट का जो इंस्टीट्यूट का जांच होता है तो ऐसे स्टूडेंट का जो इंस्टीट्यूट को बाद में रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ऐसे ही जो है यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन किए हैं और जिन्होंने कि फॉर्म फाइलन सबमिट कर दिए हैं और जो नहीं भी किए हैं और वे करना चाह रहे हैं, तो सभी के लिए वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे कुछ बिहार के जो है ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिसका कि यहाँ पर जो है रिजेक्ट और डिफेक्टिव होना स्टार्ट हो गया है। क्यों हो रहा है, क्या जो है इसको क्या करना पड़ेगा, और ऐसे इंस्टीट्यूट में जो स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं जो नाम भी लिखा है तो वे उन सभी स्टूडेंट को जो है छात्रवृत्ति नहीं मिल पाएगा, किसी न किसी कारणवश जो है वहाँ पर डिफेक्टिव पाया गया है। तो इसका जो है लिस्ट गवर्नमेंट की तरफ से जारी कर दिया गया है, आप जो है घर बैठे चेक कर सकते हैं कि आपका जो इंस्टीट्यूट रिजेक्ट हुआ है या फिर डिफेक्टिव हुआ है या नहीं हुआ है, कि आपको जो है छात्रवृत्ति का पैसा आएगा या नहीं आएगा, आपका इंस्टीट्यूट जो है एक्टिव है या नहीं है, पूरी तरह से आप जांच सकते हैं। इसके लिए PMS पोर्टल पर जो है इसका लिंक भी एक्टिव कर दिया गया है। पूरी प्रक्रिया आपको बताने वाले हैं आगे में, लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले हर एक अपडेट पाने के लिए टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर हर एक अपडेट सबसे पहले आपको मिल सकेगा। सबसे पहले आपको आ जाना है हमारे वेबसाइट में rockstareducation.in, लिख करके आप गूगल क्रोम में सर्च कर लीजिएगा, मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर जिससे भी चलाते हैं। सर्च करने के बाद आपके स्क्रीन में इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, लोगो वही है, नाम वही है। नीचे स्क्रॉल कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको जो है स्कॉलरशिप का सेक्शन देखने को मिल जाता है, इसी स्कॉलरशिप का सेक्शन में आना होगा। नीचे और स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको देखने होगा बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में आवेदन के बारे में। तो यहाँ पर देखिए आपको एक पोस्ट मिल जाता है, बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप ऑनलाइन आवेदन 22/22, सिंपली आप इस पर क्लिक कर लेंगे। जैसे क्लिक करते तो आपके स्क्रीन में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को आपको यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर देखिए हमने हर एक चीज़ जानकारी यहाँ पर जो बताया हुआ है, आपको यहाँ से लिंक ढूंढना है इंस्टीट्यूट रिजेक्टेड का, तो यहाँ पर आइएगा तो यहाँ पर देखिए देखने को आपको मिलता है चेक रिजेक्टेड इंस्टीट्यूट लिस्ट। सिंपली आप यहाँ पर जो ब्लू लिंक देख रहे हैं इस पर आपको यहाँ से क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते तो अब आपके स्क्रीन में कुछ इस प्रकार का वेबसाइट यहाँ पर ओपन होना स्टार्ट हो जाता है। देखिए यहाँ पर जो ओपन होना स्टार्ट हो गया कुछ इस प्रकार से, तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को आपको मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पर रिजेक्ट और डिफेक्टिव इंस्टीट्यूशन लिस्ट। तो सिंपली आप जो भी जिला से बिलोंग करते हैं सबसे पहले उसका जो है यहाँ पर स्टेट को सिलेक्ट कर लीजिएगा, बिहार रहेगा क्योंकि अभी जो है बिहार का ही स्टूडेंट का आवेदन लिया गया है। हालांकि सभी स्टूडेंट का यहाँ पर जो है यानी कि यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं स्टेट, सभी स्टेट है जो भी बाहर से बिहार से बाहर पढ़ाई करते हैं। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलता है, इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो भी डिस्ट्रिक्ट में आप पढ़ाई करते हैं तो यहाँ पर जैसे आप जो है यहाँ पर स्टेट अपना सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर जिला का ऑप्शंस भी देखने को मिल जाएगा, यानी कि आप डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सिलेक्ट कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए आपको जो है डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन मिल जाता है, सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो भी आप जिला से बिलोंग करते हैं आप उस जिला को यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो आपको ब्लॉक देखने को मिल जाता है आप उस ब्लॉक को सिलेक्ट कर सकते हैं, या जो है आपका जो भी जिला है जो आपका आस पड़ोस का ब्लॉक पड़ता है, जिस ब्लॉक में आपका इंस्टीट्यूट का नाम है यानी कि जिस क्षेत्र में आपका इंस्टीट्यूट पड़ता है उसका ब्लॉक का नाम यहाँ से आप सिलेक्ट कीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो आप जो भी यहाँ पर जिला से ब्लॉक से उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है इंस्टीट्यूट टाइप, सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे। आपका इंस्टीट्यूट टाइप क्या है यहाँ पर आपको समझना होगा, जो भी क्लास में आप पढ़ाई करते हैं जैसे कि ITI हो गया, 11, 12, पॉलिटेक्निक, अदर, यहाँ पर जो है पोस्ट मैट्रिक नॉन डिग्री वाले कोर्स के स्टूडेंट हैं तो इसको सिलेक्ट कीजिएगा। जैसे कि ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट क्लास के स्टूडेंट हैं तो इसको सिलेक्ट कीजिएगा। जैसे यहाँ पर प्रोफेशनल कोर्स जैसे कि यहाँ पर डिप्लोमा हो गया, DLED हो गया, BEd हो गया, NM, GNM हो गया, उसको सिलेक्ट कीजिएगा। जैसे यहाँ डिग्री एंड पोस्ट यहाँ पर ग्रेजुएट लेवल प्रोफेशनल कोर्स के लिए आप यहाँ पर इसको सिलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पर जो मैंने इस प्रकार का जो देख रहे हैं सिंपली हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं।
यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर स्टेटस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। नीचे स्क्रॉल कर लीजिएगा, यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिलता है, एक तो डिफेक्टिव, एक रिजेक्ट। डिफेक्टिव में क्या होगा कि वो इंस्टीट्यूट वाले जो है स्टूडेंट के लिए सुधार कर सकते हैं। रिजेक्ट में क्या होगा कि पूरी तरह से रिजेक्ट यहाँ पर कर दिया जाएगा, उसको जो पुनः से रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करना होगा, तभी उसका स्टूडेंट को यहाँ पर जो छात्रवृत्ति मिल सकता है। यहाँ पर जो है क्लिक करेगा जैसे रिजेक्टेड वाले में, तो यहाँ पर जो है देखने को मिलता है सर्च का बटन, सिंपली वो सर्च कर लेगा। ब्लॉक वाइज जो भी इंस्टीट्यूट रहेगा उसका नाम यहाँ पर आ जाता है। देखिए यहाँ पर जो है आपको नो रिकॉर्ड फॉन्ट देखने को मिल रहा है, तो ये मैंने रिजेक्टेड को सिलेक्ट किया है। इसी प्रकार से आप यहाँ पर रिजेक्टेड को दे करके सर्च कर लीजिएगा। और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और भी देखने को मिल जाता है डिफेक्टिव, तो सिंपली आप डिफेक्टिव यहाँ पर सिलेक्ट कीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर सर्च का बटन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो अगर जो है आपके यानी कि जो ब्लॉक के अंदर में जो भी यानी कि कॉलेज पढ़ते हैं, अगर उसका जो है कोई भी कॉलेज डिफेक्टिव होता है, वो हो सकता है आपका भी हो सकता है, कोई दूसरा कॉलेज भी हो सकता है, तो इस प्रकार से देखिए लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए देखने को आपको मिलता है यहाँ पर अररिया पब्लिक स्कूल अररिया, ये जो है इसका कोड नंबर है। उसके इसी तरह से ये बिहार स्टेट में पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट का नाम अगर एड्रेस देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर पर्सन नेम देखने को मिल जाएगा, जो उसका मालिक है उसका मोबाइल नंबर। उसके बाद डिफेक्टिव इसको कर दिया गया है। इसका मतलब क्यों यहाँ पर डिफेक्टिव किया गया है, यहाँ पर देखिए इसका रीजन रिमार्क में बताया है डॉक्यूमेंट आर नॉट एज पर वेरिफिकेशन। ये जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर दिया है इसका जो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है, तो अब ऐसे इंस्टीट्यूट को जो है यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए यहाँ पर इंस्टीट्यूट का जो सेक्शन देखते हैं इस पर आना होगा। यहाँ पर जो है उसको लॉगिन करके जो है दोबारा से यहाँ पर यानी कि अपने से यहाँ पर जो है अपडेट डॉक्यूमेंट को करना पड़ेगा। जैसे कि मान लेते हैं कोई भी स्टूडेंट का फॉर्म गलत हो जाता है या कुछ हो जाता है, तो लॉगिन करके वो जो है सुधार करते, उसी तरह से यहाँ पर जो है इंस्टीट्यूट को भी लॉगिन करना होगा। यहाँ पर देखिए संस्था का पंजीकरण है, इसी में उसको बटन मिल जाता है, यहाँ पर क्लिक करना होता है, इसमें भी आपको लॉगिन का बटन देखने को मिल जाएगा। लॉगिन करके जो है वे लोग यहाँ पर सुधार कर पाएंगे। तो दोस्तों आप जो है चेक कर ले, अगर आपका इंस्टीट्यूट का नाम रहता है तो आप इंस्टीट्यूट वाले को संपर्क जरूर कर ले, उसके सूचित करें ताकि जो है आपको भी स्कॉलरशिप मिल सके।